हाँ दिख रही स्क्रीन, दिख रही बेटा? आकाश आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ऋषभ कहाँ चला गया? ऋषभ, ऋषभ पता नहीं कहाँ चला गया। स्क्रीन आ रही है? ओके अच्छा देखो, हम लोग का जो हाँ बिल्कुल सही आ रही है। हम लोग का जो चैप्टर था रेस्ट एंड मोशन है ना, तो इसका स्टार्टिंग, इसका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले रेस्ट, क्या कहा गया है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन एंड पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग डज नॉट चेंज। अच्छा अगर रेस्ट क्लियर है तो रेस्ट के कोई चार पांच एग्जाम्पल बता सकते हो? दोनों लोग को एग्जाम्पल बताने, वो भी अलग अलग बताने हैं। और मान लो ऋषभ बता रहा भी पांच, तो उसे डिफरेंट होने चाहिए पांच एग्जाम्पल तुम्हारे आकाश, ठीक है? तो बताना रेस्ट की बात हो रही बेटा, रेस्ट की, रेस्ट की। ओके और कोई फाइव एग्जांपल बता। मूविंग फैन, अच्छा लेकिन वो रेस्ट पे नहीं है उसके, वो जो फैन है ब्लेड्स तो घूम रही है। अगर मान लो ऑफ पोजीशन पे है तो रेस्ट पे है, अगर ऑफ पोजीशन पे है तो ठीक है। और दो बता दिए और ऋषभ बताओ। ऋषभ आवाज आ रही है? आकाश हाँ तो और बता दो, ऋषभ लगता है सुन नहीं पा रहे। हाँ ठीक है चलो सही है, फाइव कहे थे पहुंच। और देखो अपने घर पे कितनी सारी चीजें रखी हैं, तुम्हारी अलमीरा रखी हुई है, बेड रखा हुआ है, सब रेस्ट पे ही है। हाँ बस सही है, वही तो मतलब देखो अपने रूम में देखो चारों तरफ दो तीन चीजें छोड़कर के बाकी सब रेस्ट पे ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे बताया गया कि अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये ऋषभ बताएंगे पांच एग्जाम्पल कोई। अब ऋषभ करे आवाज नहीं आ रही है। आकाश तुम्हारे पास आवाज सही आ रही है ना? ये ऋषभ देखो देखते हैं। हाँ हाँ आ रही, ठीक। वो रिज्वाइन कर रहा है, एक मिनट उसको जरा कर लेने दो। हाँ ऋषभ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है ऋषभ। हाँ देखो हमने जो भी बताया था, दो चीजें बताई थी, एक बताया था रेस्ट, एक बताया था मोशन।
मोशन क्या है? अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और मोशन पे कोई पांच एग्जाम्पल तुम्हें बताने हैं अभी। हाँ पांच, ठीक है। ट्रेन हो गई, एक एक हो गया, दूसरा बताना। अरे इतना सोचना पड़ रहा है भाई, तुम लोग नाइन्थ में हो, सेकंड थर्ड में नहीं हो। अब ये मत सोचो कि हमको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल, जो समझ में आए बता दो। हाँ, ये भी ठीक है। दो हो गए, क्या बोला फिर से तेजी से बोलो। ठीक है, ये भी सही। थ्री हो गए, और इतना सोचना पड़ रहा है। ठीक है, फोर हो गए। ठीक है ठीक है। अच्छा, बातें हैं वन डायमेंशनल मोशन पे। व्हेन अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन, इज आल्सो कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब एक ही लाइन चला जा रहा है, एक ही पाथ पे चला जा रहा है। पाथ देख के कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, है ना? एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेन। और एग्जाम्पल दूसरा बता दो ऋषभ। एक एग्जाम्पल तो मिल गया, लेकिन ट्रेन के अलावा दूसरा क्या हो सकता है? वन डायमेंशनल मोशन बताया गया। क्या कह रहे हो? अच्छा, आकाश के पास नहीं जा रही है? आकाश हवा से ही आ रही है ना? ये शायद ऋषभ कहीं यहाँ ही हो रहा है। हाँ आ रही, रूह आवाज आ रही है, बता दो। हाँ हाँ ऋषभ की बात हो रही। हाँ बताना जरा एग्जाम्पल, एक लास्ट ये। हाँ वन डायमेंशनल वाला बताना जरा कोई एक भी। ट्रेन हो गया, ट्रेन के अलावा क्या होगा? चलो ठीक है। अच्छा अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। क्या है? द पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे ये क्या बताया गया है? जैसे कि अगर मान लो हम एक ग्राफ बनाए ऐसे, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस कोई लाइन पैरेलल ऐसे जा रही है, कहा गया ना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ड्रॉ हो रहा है लाइन, तो इसका मतलब ये है कि जो पाथ है वो वन डायमेंशनल है। ठीक है, मतलब वन डायमेंशनल, एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वहां पे कोई टर्न नहीं आ रहा है, मुड़ नहीं रही, गाड़ी सीधे चली जा रही है। फिर आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कितना उसने ट्रेवल किया है ये तो पता होगा, बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग जब पढ़े थे बहुत अच्छे से क्लियर किया था। जितना उसने चला है वो उसकी डिस्टेंस है। ट्रेवल बाय द बॉडी दिस पाथ में और मे नॉट बी स्ट्रेट, कैसा भी पाथ हो सकता है। ठीक है, इट्स स्केलर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसका क्या है, ये यूनिट होता है मीटर, जो कि हम लोग चलते हैं मीटर पे चलते हैं, मतलब एसआई यूनिट मीटर है, होता तो और भी बहुत सारे किलोमीटर भी हो जाएंगे, लेकिन एसआई यूनिट इसका जो होता है वो मीटर होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट में आ रही है, अगर क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन।
अब देखो डायरेक्शन रेखा आता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे एक चीज और आना चाहिए, ये इसके ऊपर लगेगा ये एक बार ऐसे ऐसे, ये रिप्रेजेंटेड बाय एस, वेक्टर एस, मतलब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो याद है ना तुम लोग को, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। हाँ, इट्स एस आई यूनिट इज ऑल्सो मीटर। देखो अच्छा, अब हमको जरा बताना दोनों लोग एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लो यहां से नहीं, एग्जाम्पल को सोच के बताओ, सबसे पहले डिस्टेंस का एग्जाम्पल बताना है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट का बताना जरा आकाश, सबसे पहले डिस्टेंस का बताना एग्जाम्पल आकाश। नहीं, ये तो मतलब कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब कि डिस्टेंस क्या हुई, जैसे यहाँ से कोई कहीं जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम पूछेंगे ऋषभ से, ज्यादा ऋषभ पूछ लो। देखो ये रिवीजन क्लास इसीलिए कि हमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे से ब्रशअप करना है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सब चीजें। तो डिस्टेंस क्या होगी आकाश, बिल्कुल भी सोचो नहीं वाला, बोला आराम से समझ के बताना, बिल्कुल वो नहीं करना है। डिस्टेंस जैसे कि मान लो हम लोग किदवई नगर से जा रहे हैं घंटा घर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस हुई, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ठीक है ना ऋषभ, डिस्प्लेसमेंट है। अब बात यह आ रही कि यहां से हम लोग लखनऊ होते हुए फिर घंटा घर जा रहे हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस चला है हम लोगों ने, जो 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 टोटल जो लेंथ था पाथ का, वो डिस्टेंस हो गई, क्योंकि यहाँ से लखनऊ तक जो भी गए वो कितना मीटर फिर वहां से वापस आए, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, है ना, सही है ना आकाश, क्लियर है। अब देखो यहां से हम लोग लखनऊ होते हुए घूम करके वापस अपने घर फिर से आ गए, हम लोग कहीं घूमे, मान लो ये है हमारी पोजीशन, ये यहां से घूम के यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और वापस फिर यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस तो ये पूरा है जितना हम लोग घूम करके आए चल करके, और लेकिन ये जो है ये हमारा डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आ रही है, देखो हमने क्या, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो एक इनिशियल पॉइंट है, यहां से घूमते हुए खूब दूर, फिर नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम, नेट तो सब सही चल रहा है मेरे पास, अब आ रही है, अभी ब्रेक क्या आ रही है। अच्छा वो रुको जरा माइक की वजह से बताओ, अब सही आ रही है ना। देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से घूमते 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 वापस फिर यहीं पे आ गया, तो ये जितना पाथ इसने ट्रेवल किया है उस पाथ की जो लेंथ होगी वो है हमारी डिस्टेंस, और वापस फिर से यहीं पे आ गया है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, 0 मीटर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक चीज, तो अब तुम लोगों को खुद सोचे बताना है, मान लो एक ये है पॉइंट, यहाँ से गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये गए, और ये यहाँ पे आ गए, अब बताना जरा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आकाश क्लियर है आकाश, क्लियर है बेटा, बस ये चीज समझना, ये यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। डिस्टेंस तो वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, डिस्टेंस हम लोग कभी भी नेगेटिव में नहीं चलते, मतलब यहाँ से अपने स्कूल गए मान लो, तो ये नहीं होगा कि हम लोग -2 किलोमीटर चले, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा आगे चलते हैं, अभी चीज हम लोग समझे थे, अब और अच्छे से क्लियर करते हैं इसके डिफरेंसेस, जो कि बिल्कुल अभी तुरंत बैठे बैठे याद भी हो जाएंगे, बहुत ध्यान समझो तो याद हो जाएंगे तुरंत ही। डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। क्लियर है? ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट देखनी है हम लोग को। जो हम लोग कितना भी चल के क्यों ना आए हो, बस हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमको देखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर है, ठीक है? मतलब कि वेक्टर है, इसमें वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। हम लोग डायरेक्शन से कंफर्म करेंगे कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जैसे अभी पीछे एक एग्जांपल देखा था। इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के पास से इंडिपेंडेंट, इसको कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट से, इसको मतलब है अपने सिर्फ डेस्टिनेशन से, डेस्टिनेशन से, वो चाहे यहां से जाए वो चाहे सीधे चले जाए। क्लियर है? ओके। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद होनी चाहिए। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसको समझते जरा फिर से। मान लो ये है होम और ये है स्कूल। अब कोई सीधा सीधा साधा बच्चा है तो सीधे घर से स्कूल ही जाएगा। ऐसे कुछ लोग घूमते घूमते जाते, कहीं इधर गए फिर उधर गए फिर उधर गए फिर उधर गए फिर इधर गए। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे देखो इक्वल दिख रहा है हमको। अब जो दूसरा बच्चा गया है घूमते हुए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से कम है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी मोर देन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो ज्यादा भी हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये है डिस्टेंस तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अगर मान लो ये डिस्टेंस हम लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, ठीक है? अब आता है स्पीड पे। स्पीड देखो, हम लोग को पता है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से भी हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर टाइम स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो बन जाता है डिस्टेंस, ठीक है? और अगर डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड दे दिया जाए तो वो बन जाता है टाइम। बस इतना याद रखना है, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस होता है मीटर और टाइम होता है सेकंड। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट बन जाती है वो बन जाती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। और ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो पस हो सकती है ना, क्लियर है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये क्या होता है वो, फिर अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, वो तो नेगेटिव होता है, तो वो रिटार्डेशन होता है। मतलब जब जब गाड़ी धीमे धीमे चलती है तो रिटार्डेशन होता है ना, वो दिमाग में तो नहीं आ रहा है। अगर वो दिमाग में आ रहा है तो देख लेना, वो रिटार्डेशन होता है, स्पीड अलग है, एक्सीलरेशन अलग है, ठीक है? देखो स्पीड के टाइप क्या क्या होते हैं, बहुत सारी स्पीड्स होती हैं। यहां पे सबसे पहले आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। अच्छा इसका देखो, आप सब लोग को दोनों को एग्जाम्पल बताना है, यूनिफॉर्म स्पीड का जरा एग्जाम्पल बताना सोच करके। आकाश एग्जाम्पल बताना यूनिफॉर्म स्पीड का। ऋषभ बताओ भाई। अच्छा ठीक है, आकाश क्लियर है?
हाँ वो भी ठीक है, जैसे मान लो फैन में बहुत सारी स्पीड होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक होता है, मान लो 3 पे चला के छोड़ दिए, तो वो ब्लेड जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, ये भी सही है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जो नॉन यूनिफॉर्म होता है मतलब वेरिएबल है, जब जैसे मान लो हम लोग साइकिल ही चलाते हैं, कभी साइकिल धीमी चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी ब्रेक लगाया, कभी, वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मोटरसाइकिल, कार, सबके लिए ये है नॉन यूनिफॉर्म। अगर वो कार चल रही है एक हाईवे पे, तो नॉर्मली 80, 120 ऐसे लोग कार चला रहे लगते हैं, मोटरसाइकिलों की 60, 70 चल जाती है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म हो गई। अगर 1 मिनट के लिए भी स्पीड नहीं चेंज करी, तो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है वो, ठीक है। अगर मान लो हम लोग चला रहे हैं अपने बहुत ट्रैफिक पे, तो यूनिफॉर्म स्पीड कभी बनी नहीं पाती, कभी ब्रेक लग रहा है, कभी कोई सामने आ रहा है, कभी कुछ गड्ढा आ रहा है, तो वो वेरिएबल स्पीड हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब देखो, टाइम इक्वल है और डिस्टेंस अनइक्वल है। मान लो तुम दोनों लोग को अलग अलग जगह भेजने के लिए दे दिया जाए कि 1 घंटे में, 1 घंटे में पहुंचना है, तो हो सकता है कोई कोई ज्यादा डिस्टेंस चल लेगा 1 घंटे में, कोई 1 घंटे में कम डिस्टेंस चल पाएगा। डिपेंड क्या कर रहा है, स्पीड डिपेंड कर रही है, क्योंकि हो सकता है किसी को ट्रैफिक मिल जाए, किसी को बिल्कुल क्लीन रोड मिल जाए, ठीक है। तो लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनस स्पीड। ये हमने एक बार बताया अभी था, क्या होता है ये, वेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम, इट्स स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनस स्पीड। एक बार हमने एक एग्जाम्पल ही बताया था जब पढ़ा रहे थे, द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल मेजर द इंस्टेंटेनस स्पीड। देखो ये एग्जाम्पल नीचे लिखा भी है, जैसे कि जो स्पीडोमीटर लगा होता है मोटरसाइकिल में या कार में, जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें कभी कभी आ जाता है मीटर पे कि 75 की स्पीड पे चल रही है, तो वो जब 75 लिखा होता है ना, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड पे लिखा होता है, उस इंस्टेंट के टाइम को होता है। जब वो 75 पे चल रही थी तभी 75 बताया, तुरंत 1 सेकंड बाद या कुछ टाइम बाद 72 पे आ गई, 78 पे आ गई। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर है? अच्छा, एक एक एग्जांपल और बता सकते हो, कोई दूसरा एग्जांपल दिमाग में जोर डालोगे तो क्लियर होगा अच्छे से, हम बता देंगे तो वही फिर रिवीजन ही होगा, और कंसेप्ट और क्लियर करो, दिमाग में जोर डालो फिर। सोच रहे हो क्या? चलो अच्छा, अभी ये लास्ट तक याद आ जाए तो बता देना। फिर आते हैं एवरेज स्पीड। द एवरेज हो जाता, रिकनेक्ट कर रहा होगा क्या पता। देखो एवरेज स्पीड क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। मान लो कि अलग अलग दिया हुआ है स्पीड, आकाश आ गए। हाँ देखो, मान लो कि डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है, कि एक जा रहा है कि 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, एक जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और इसने लिया 2 आवर टाइम कहीं जाने के लिए, इसने लिया 3 आवर टाइम कहीं जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी हमें पता ही नहीं है, हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। तो अगर कोई कोई पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर से 2 किलोमीटर 2 आवर जा रहा है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 80 किलोमीटर, क्लियर है। अगर कोई 5 से जा रहा है, 50 से 3 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर से 3 आवर पे जा रहा है, तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी 150 किलोमीटर। अब यहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 80, अपॉन 2 प्लस 3 मतलब कि 5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्पीड हो सकती है, हो सकते 4 या 5 स्पीड चल रही है, तो अभी हो वो भी आ जाएगा।
मान लो कि 40 से 50 से 60 से 70 से जितनी भी आ जाए सब, टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल करी अपॉन कितना टाइम लिया, क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है। अब आता है वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, देखो कहीं पे अगर आ जाए डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन आ गया तो मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन अगर आ गया तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं आया तो फिर स्केलर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। अब जो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, मतलब कि ये बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को दिखाया गया यू वेक्टर, देखो ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर एस अपॉन टी। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, या मीटर पर मीटर सेकंड इनवर्स, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने बता ही दिया कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है वो बताया जा रहा है गिवन डायरेक्शन पे, तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। हाँ, समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ। ऋषभ क्लियर है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जरा, अगर समझ में आ गया तो। तो घुमा करके वही बता दिए जो इसके डेफिनेशन होती है, एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि मतलब कि डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग, अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। आकाश बताओगे? देखो इस लेक्चर, ये जो लेक्चर है इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी कुछ देर बाद उसी ऐप में आ जाएगा, ठीक है, रिवीजन करने के लिए और फायदा ही रहेगा इसका। आकाश एक्सप्लेन करना। हाँ, इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल ठीक है, सही है सही है। और ये भी लिखा हुआ नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, हो सकता है मतलब तुम दोनों लोग को हमने कह दिया कि इतने इतने, तो मतलब यूनिफॉर्म क्या कहा गया कि स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाना है और डिस्टेंस भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल दिया दिया गया है और एक इक्वल डिस्टेंस पे भी जाना है, तो अगर दोनों लोग एक टाइम पे पहुंच रहे हो तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे गए हो। क्लियर है? रास्ते अलग अलग हो सकता है फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अभी देखो और क्लियर करते हैं। देखो एक आता है फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन, हाँ हाँ डाउट पूछो बेटा। देखो यहाँ पे अभी पीछे ने बताया था ना, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी ये, इस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन लिखा है ना, ये बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल वही चीज है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं।
देखो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल इन स्पेस स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इट इज ऑल्सो पजेस वेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट रिमेन द सेम। मतलब यहाँ पे मान लो दो चीज सेम है, तीसरी चीज सेम नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। फिर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विथ टाइम, इट्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ करके आए थे, सेम वही है। वो पर्टिकुलर उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम पे वेलोसिटी चेक करी गई है, ठीक है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड थी वैसे एवरेज एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। क्या है एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था वही यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, अभी बैठे बैठे तुरंत लर्न कर लेना। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखो क्या कहा गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, रेस्ट पे नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कैसा ऑब्जेक्ट है? मूविंग ऑब्जेक्ट, वो उसकी स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। आकाश आवाज आ रही है ना? हाँ, ऋषभ की आवाज शायद नहीं आ रही मेरे पास। देखो अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे चैट करके पूछना, अगर इन केस अगर मेरे पास आवाज ना आए, ठीक है। आकाश ये देखो, तुम्हें ये प्रॉब्लम आई थी ना यहाँ पे वेलोसिटी वाली, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी मतलब कि डायरेक्शन, डायरेक्शन आनी ही चाहिए। डायरेक्शन अगर नहीं आ रही तो वेलोसिटी नहीं होगी, फिर वो स्पीड होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, ये स्केलर होता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं अटकी नहीं, रुका हुआ है, एक मिनट, हमने रुका हुआ है, वो कुछ प्रॉब्लम पूछ रहा है क्या करे ऋषभ। उसे कह एक बार फिर रिज्वाइन कर लो। अटकी नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एक बार जरा लाइन पे आ जाए और क्लियर करते, देखते हैं आ गए कि नहीं। हाँ आ गए। हाँ ऋषभ आवाज आ रही है। हाँ नहीं आवाज आती, अभी मैंने देखा अब आ रही आवाज। कह रहे कि तुमने पूछा क्या है कि डिफरेंस क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाए ना तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में इंस्टेंट की बात आ रही है। अगर मान लो एक चल रहा है किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा किलोमीटर पर आवर पे है, क्योंकि वो एक हमको एक नंबर दे रहा होगा, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में होता है देखो, एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है, है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस। देखो क्या है, बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम, इट्स वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी कहाँ गया, व्हेन अ स्पीड, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस अ कॉन्टिन्यूअसली विद द टाइम, इट्स स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो देखा जाए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर हुआ? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि एक बंदा जा रहा है कि लेफ्ट में, एक जा रहा राइट में, दोनों को इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक ने स्पीड चेक करी, एक ने वेलोसिटी चेक करी, तो वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको देगा, पर्टिकुलर आंसर जो देगा, वो हो सकता सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो। तो कोई चेंज नहीं, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को छोड़ के। ठीक है? तो यहाँ पे हम बताए थे स्पीड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। हाँ, आ रही ना आवाज? हाँ, रुक गए थे, हो सकता कुछ, अब आ रही है ना? को कुछ प्रोसेसिंग चलने लगी इसमें मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो वेलोसिटी है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल, देन आफ्टर वन राउंड द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। ये बात समझ में आई? एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। आकाश और ऋषभ, समझ में आया बात? ये क्या है स्पीड में और वेलोसिटी में क्या है? इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल, देन आफ्टर वन राउंड द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। क्यों? पता है क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आकाश, क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आकाश, हेलो आकाश, क्लियर है? आकाश, अभी नहीं आ रही थी, अब आई मेरे पास आवाज। क्लियर है तुम्हें ना ये जो हमने बताया? हाँ, वो हमने चेंज किया था। अच्छा, एकदम सुलग, अब सही आ गई। रुको, एक, अच्छा, रुको, आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोग के पास? थोड़ा सा वो अभी स्लाइड नहीं काम कर रही ठीक से, कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें, देख रहे बस क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, हम लोग यहाँ पे थे, है ना, कि उसकी जो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, वो जीरो हो जाएगी एक राउंड के बाद। ये क्लियर है ना? एक मिनट बस, आ जाए। अब आता है फिर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में बहुत लोगों का डाउट होता है, बहुत सारे।
देखो देखते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, मतलब कि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, कौन सी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस, ये ठीक है ना? ये ए इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर चेंज, कितना टाइम हुआ चेंज होने पे, ये चीज ठीक है, क्लियर है? और जो इसका यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो मीटर पर सेकंड इसका हुआ और मीटर पर सेकंड इसका हुआ और अपॉन में सेकंड आ गया, तो मीटर पर सेकंड और अपॉन सेकंड, ये अगर कॉमन करेंगे तो सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है चीज ये? आकाश और ऋषभ क्लियर है? फिर आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखो नाम ही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म है, बॉडी सेट टू पजेस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इक्वल नहीं होगा। अ बॉडी सेट टू पजेस नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। दो बॉडीज आ रही हैं, एक बॉडी है, अब वो क्या कर रहा है कि अलग अलग उनका वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन टाइम सेम है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, क्लियर है बात ये? ऋषभ आवाज आ रही बेटा? तुम्हारी आवाज नहीं आई मेरे पास कोई भी अभी तक। ऋषभ की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, फिर आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो रिज्वाइन कर रहा होगा। आ रही आ रही, अच्छा आ रही, आ गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? इट इज डोनेटेड बाय द लेटर जी। फिर देखो क्या है, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब क्या है, अगर ऊपर से किसी को छोड़ दिया जाए तो आगे धरती पे ही गिरता है ना, कुछ छोड़ दो नीचे गिरेगा, तो क्या है, फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ये हुआ वो गिर रहा है, आराम से गिर रहा है। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो क्या हुआ, जब वो ऊपर से गिरेगा तो उसमें एक्सीलरेशन बनता है, वो बहुत, मान लो ऊपर से कोई धीमे से गिरा लेकिन नीचे आते आते बहुत तेजी से गिर जाता है, क्योंकि एक्सीलरेशन उसको घसीटने का काम करता है। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है मिनिमम कहाँ होती है, अर्थ में मैक्सिमम कहाँ होती है मिनिमम कहाँ होती है, बताना जरा। सेंटर में तो जीरो होती है, हम अर्थ की बात करें, सरफेस जहां हम लोग रहते हैं, इक्वेटर पे और पोल, चलो इतना हिंट कर दिया, इक्वेटर पे और पोल पे कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है। ऋषभ बताना जरा, हाँ अब आ रही है, बताना जरा। तुम्हारे में नेट की प्रॉब्लम है, इसका मतलब फिर हो सकता है, हो सकता, जो भी हो सकता है। हाँ ऋषभ बताना जरा, कहाँ पे होता है मैक्सिमम और मिनिमम एक्स, ये ग्रेविटी अर्थ में, पोल पे कि इक्वेटर पे।
पोल पे क्या होता है? पोल पे मिनिमम होता है, अच्छा, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। गलत है, दोनों लोग का गलत है भाई। इक्वेटर पे जो होता है वो मिनिमम होता है 9.8, और जो पोल पे होता है वो मैक्सिमम होता है 10। ठीक है, हमने ऋषभ से क्वेश्चन भी पूछा था, वो पोलर एक वो था क्वेश्चन था बियर वाला, आंसर निकला अभी तक नहीं निकला। आंसर नहीं निकल रहा। वो आंसर इसी से निकलेगा। चलो सब देखते हैं, अभी टाइम बचेगा तो बताते हैं लास्ट में। देखो रिटार्डेशन की बात आ रही है। रिटार्डेशन क्या है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद द टाइम इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब इसी के जरा उल्टा कर दिया जाए, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस देन इट्स कॉल्ड रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, क्लियर है? रिटार्डेशन उसका उल्टा होता है एक्सीलरेशन का। अब देखो हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। देखो देखते हैं, सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। द ग्राफ हैज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। देखो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे और टाइम जो है एक्स एक्सिस पे। द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो ये क्या बताया गया है, जो स्लोप होगा ना, जो ग्राफ में स्लोप होगा वो हमको बताएगा बॉडी की वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्लोप दिख रहा है कैसा, स्लोप तो है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, स्लोप नहीं है। मतलब कि क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? क्लियर है आकाश? क्लियर है? देखो इसको बोलते हैं स्लोप, जिसको ढलान होता है। यहाँ पे कोई ढलान है ही नहीं, यहाँ ढलान है। ढलान है तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लिखा हुआ है इफ द स्लोप इज पॉजिटिव देन द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड। इफ द स्लोप इज नेगेटिव द बॉडी इज मूविंग बैक टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब हम समझते हैं केसेस। फर्स्ट केस फॉर स्टेशनरी बॉडी, ये देखो ये स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है, ये टाइम है। मतलब कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट कहीं पे ये रखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है 20 और 30 के बीच में कहीं पे है, हो सकता है 28 है, और टाइम 1 सेकेंड भी, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो बॉडी कैसी है? स्टेशनरी है। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग बैठे हुए कहीं पे जगह, 1 घंटे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो हम लोग स्टेशनरी पोजिशन में बैठे हुए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है आकाश? अब देखो 30 सेकेंड फॉर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो सेकेंड केस दिया गया है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये देखो है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमको ये बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म में। देखो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में 20 मीटर का, 3 सेकंड में 30 मीटर का। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है जो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है और बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो ये मान लो अगर 10 सेकंड बाद ये 100 मीटर ये चल चुका होगा, ये हमको यूनिफॉर्म मिल रहा है। ये चीज क्लियर है ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्लियर है? आकाश और ऋषभ क्लियर है? हाँ आ रही है। अच्छा अब आ रही, स्क्रीन आ रही है? हाँ आ रही है, अब स्क्रीन आ रही है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ कर दे कर रहे। देखो तो यहाँ पे केस टू पे क्या बताया है कि एक हमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो कि
वन, देखो ये टाइम है, जब 1 सेकंड था तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई 10 मीटर का, जब 2 सेकंड था तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है 20 सेकंड का, 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट देखी 30 सेकंड है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटा? ठीक है, समझ में आया ना सेकंड केस? बोलते रहा करो ना, क्योंकि तुम्हें समझ में आता है, तुम लोग सुन रहे हो। फिर तो सेकंड केस क्लियर है? थर्ड केस में आए? देखो सेकंड केस में समझ में आया कि यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव हो रहा है, और थर्ड केस देखो, थर्ड केस में उसमें वो बन जा रहा है, एक कर्व बन गया, ठीक है। थर्ड केस में बन गया कर्व, देखो ये यहां से ये ऐसे घूम गया, तो ये देखो यहां पर दिखाया गया कि इधर से ये पॉइंट इधर घूम रहा है, तो एक इन्होंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल से 3 सेकंड पे ये 10 पे गिरा जा करके, 5 सेकंड पे 30 पे गिरा जा करके, और 7 सेकंड पे 50 पे गिरा। खैर ये तो हम लोग जब उसका स्पीड और डिस्टेंस और निकालेंगे तब यूज करेंगे। खाली ये समझना है, जब वेलोसिटी वेरिएबल थी तब कर्व टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जो लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। तो अगर मान लो स्कूल में या एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन ग्राफ प्लॉट करने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, स्टेशनरी पोजीशन का, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो कर लोगे ना आराम से? जैसे कि देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, दिस ग्राफ हैज वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसे अभी पीछे हमने देखा था, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी ग्राफ टाइम गिव द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस ग्राफ। देखो क्या हुआ, एक्सीलरेशन मिल रहा है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो क्या हुआ, जो एरिया होगा, द एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब कि जो ग्राफ है ना उसमें जो एरिया होगा, एरिया वो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू टाइम, दस द स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप वो होता है उसका एक्सीलरेशन, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप निकालेंगे तो आएगा एक्सीलरेशन। क्लियर है ना आकाश? क्लियर है? फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, फिर क्या होता है, दिस ग्राफ हैज एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन होगा, जो लाइन खड़ी होती है। ये लाइन है, ये वाली एक्सीलरेशन होगा, जो ये वाली है ये होगा क्या, टाइम। तो द चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस ग्राफ, मतलब कि स्पीड चेंज हुई ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन आ रहा है और टाइम आ रहा है, एक्सीलरेशन टाइम दोनों ही आता है। तो इसमें दो केस पॉसिबल है, कौन कौन से देखो, एक एक केस। फॉर स्टेशनरी बॉडी, बॉडी स्टेशनरी है और मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या तो स्टेशनरी हो या तो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही हो, तो क्या होगा, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वो हमको एक स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। देखो यहाँ पे मिला हुआ ना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है टाइम पे, क्लियर है, मतलब वो टाइम चल रहा है, ठीक है। और एक्सीलरेशन उसका 0 है, किसकी बात हो रही है, ये बॉडी स्टेशनरी भी है या तो फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब कि जैसे कि, अच्छा तुम लोग को चलाना आता होगा स्कूटी वगैरह,
तो अगर एक्सीलेटर थोड़ा सा एक जगह फिक्स कर दिया जाए तो गाड़ी यूनिफॉर्म चलती रहती चलती रहती चलती रहती, वो स्पीड धीमी तेज नहीं होती है, एक ही स्पीड चलेगी, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्लियर है ये? क्लियर है ना? ओके तो केस टू क्या बनता है? हाँ, ग्राफ अगर कर्व बनेगा तो फिर एक्सीलेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो एक्सीलेशन क्या होगा, मतलब कि एक्सीलेटर कोई बढ़ा रहा है, धीमा कर रहा है, गाड़ी तेज हो रही है फिर रुक रही है, फिर चल रही है फिर रुक रही है, एक कांस्टेंट स्पीड पर नहीं चल रही है। ठीक है, सेकंड केस बनता है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी द एक्सीलेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बात कहा गया यहाँ पे? यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली, तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये वाला ग्राफ शायद बुक में नहीं है ना, क्यों आकाश बुक में है ग्राफ ये वाला? ऐसा बुक में है ग्राफ ये वाला? आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है ना? हेलो, आकाश और ऋषभ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? कहाँ चले गए भाई तुम लोग? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अच्छा, तो ये केस सेकंड क्लियर हो गया? अच्छा, देखो देख लो फिर से। कहा गया कि फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मतलब कि क्या है, बॉडी की जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर जा, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, मतलब कि बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, तो वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन मिलता है हम लोग को ये। तो क्या होता है, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो हमने पूछा था, वो पहले था केस वन था वो। ये जो बता रही है अलग ग्राफ शायद बुक में नहीं है ना, हमने ये पूछ रहे थे। है बुक में? अच्छा, फिर देखो एक आता है केस थ्री, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही टाइम के साथ साथ, तो देखो वो क्या बनेगा, नीचे बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखो बन रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे बन रहा है, निगेटिव वाई पे, मतलब क्या है, अब इसकी एक्सीलरेशन क्या है, वो रिटार्डेशन हो गया, मतलब एक्सीलरेशन हो गया नेगेटिव। अब आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या होता है, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली ऑन द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज सेड टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तभी देखो कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल में ग्रेविटी की जगह ए लिख देते हैं, याद आया? न्यूमेरिकल में ग्रेविटी की जगह जी की जगह कभी कभार ए लिखते हैं, या फिर ए की जगह कभी कभार जी लिख देते हैं जब ऊपर से नीचे गिर रहा हो, तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। सिमिलरली व्हेन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी इट इज सेड टू बी मूविंग विद कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन। तो क्या होगा, जब वो ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आकाश? इक्वेशन ऑफ मोशन तुम लोगों ने पढ़ी भी होगी, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन पढ़ी है ना, बुक्स हमने पढ़ाई भी थी उस टाइम, प्रूविंग भी शायद कराई थी इसकी।
तो आप बताओ, कोई डाउट है इस चैप्टर में? कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। हाँ हाँ देखो, खोलते हैं। अच्छा, इसमें है नहीं प्लस टाइम ग्राफ। हाँ फिर हाँ देखो, बता रहे। देखो ये दिखा हुआ ना, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इन टाइम। एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे बनाया जाए? एरिया बनाया जाएगा उसमें ट्रेंगल वगैरह ड्रॉ कर, जैसे यहाँ पर ट्रेंगल ड्रॉ किया गया वैसे ट्रेंगल ड्रॉ करके बनाया जाएगा, उस ट्रेंगल के एरिया निकाल लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे दिखाया गया डिस्प्लेसमेंट टाइम पे, ये ए से बी तक एक ट्रेंगल ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी एरिया होगा इतना, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में वो कितना डिस्टेंस उसने क्लियर कवर किया है। ठीक है, ये तो पूरे के एरिया निकाल लो तो पूरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? और प्रॉब्लम क्या है, मतलब और डाउट कुछ? प्रकाश कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है आकाश? आकाश चले गए। ऋषभ आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है। आकाश कोई डाउट है बेटा? अब